अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अनीला और कुकिंग विद देखिए मैं आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि दिखने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो व्यूअर्स आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, कॉमेंट करें और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। गोश्त को इस्तेमाल करने से पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसी तरह चने की दाल को भी मैंने धो कर रख लिया था। गोश्त मैंने लिया हुआ है आधा किलो और चने की दाल ली हुई है मैंने 250 ग्राम। प्याज मुझे चाहिए होगा 3 छोटे साइज़ के और इसके साथ लहसुन मैंने लिए हुए हैं 7 दाने। हरी मिर्चें मुझे चाहिए होंगी 3 और गरम मसाला और नमक मैंने बराबर लिया हुआ है 1.5 चम्मच। मैं बना रही हूँ इसको कुकर में, इसीलिए मैंने गोश्त भी इसमें डाल दिया है, साथ में मैं इसमें दाल भी डाल दूँगी। हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, नमक, गरम मसाला सब इसमें एक साथ ही शामिल कर देंगे और इसमें मैं डालूँगी 1 लीटर पानी। कुकर में ये जल्दी भी बन जाता है और बहुत ही मज़े का गोश्त जो है सॉफ्ट भी हो सकता है। ऑलमोस्ट प्रेशर टाइम इसका 40 मिनट है। 40 मिनट के बाद जो है इस तरह का मटेरियल मेरा तैयार हो चुका था। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख लिया था जी। ये ठंडा हो चुका है और देखें साथ चिपक भी गया है। इसको मैं कर रही हूँ चॉप। आप चाहें तो अपना देसी तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे चॉप किया हुआ शामी कबाब बहुत अच्छा लगता है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। चॉपर में मैंने गोश्त डाल दिया है और अभी बारी बारी में सारा जो है इसको चॉप कर दूंगी। आप में से कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि मैं कौन सा चॉपर यूज़ करती हूँ, तो मैं डॉलन्स का चॉपर यूज़ करती हूँ जिसके फंक्शन 3-in-1 है। ये हैंड ब्लेंडर भी है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका है। मटेरियल जो है हमारा अच्छी तरह से हो चुका है चॉप। चूँकि मैंने इसको गलाया था कुकर में, इसलिए दाल और गोश्त बहुत ही सॉफ्ट आए हुए हैं, जिस तरह का मटेरियल मुझे चाहिए था। एक कासे में मैंने मटेरियल सारा डाल दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी सिर्फ 1 अंडा और इस अंडे को मटेरियल में अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली हैं क्योंकि ये शामी कबाब मैंने करने थे फ्रीज़। हरी मिर्चें और हरे धनिए की वो फ्रेशनेस नहीं रहती है फ्रीज़र में। अच्छी तरह से मटेरियल मैं कंबाइन कर चुकी हूँ। ये कबाब आप 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट वैसा ही रहता है जिस तरह आपने अभी तैयार किया हो। हाथ को मैंने अपना वेट कर लिया है पानी से और अब इसमें मैं कबाब बना लूँगी जिस साइज़ के मुझे चाहिए। ना मुझे ज़्यादा छोटा चाहिए ना ज़्यादा बड़ा, बस मैंने मीडियम साइज़ का लिया हुआ है। अच्छे शामी कबाब बनाना भी एक आर्ट है। जो चीज़ भी आप बनाएं दिल से बनाएं और उसको सही टाइम देकर बनाएं तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ये कबाब मैं कर चुकी हूँ तैयार, इसी तरह मैं और भी कबाब बना लूँगी। एक डिस्पोजेबल बाउल मैंने ले लिया है और उसमें मैं कबाब जो है रख लूँगी फ्रीज़ करने के लिए। एक लेयर मैंने लगा लिया कबाब की और इसके ऊपर मैंने शीट काट दी थी और वो भी इसी साइज़ की थी और वो इसके ऊपर मैं लगा लूँगी और इसी तरह 1 by 1 मैंने शमी कबाब और शीट की लेयर लगा देनी है। ये फ्रीज़ कर सकते हैं आप 2 मंथ्स के लिए। जब आपको फ्रीज़र से निकाल कर इसको फ्राई करना हो तो 30 सेकंड्स के लिए आप माइक्रोवेव में इसको डिफ्रोज भी कर सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख दें। अंडा एक मैंने लिया है, उसको मैं फेंट लूँगी। ऑयल इसके लिए मैं लूँगी गरम किया हुआ, लेकिन उसके बाद कबाब डालने के बाद मैं उसको मीडियम फ्लेम पर कर दूँगी। और कबाब देखें कितने मज़े से ना ये अभी फ्राई हो जाएंगे और इनका बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आता है। ये कबाब हो चुके हैं तैयार। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ, जो कि बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये चेक कर कर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट आए हुए हैं।